नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति और देश की राजनीति गर्म है। कोरोना संकट के दौरान भी और राजनीति उनको लेकर हो रही है जो इस लॉकडाउन में अपने घरों से दूर दूसरे प्रदेशों में, देश के दूसरे बड़े शहरों में फंसे हुए हैं। अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उस खबर को बताने से पहले आपको ये बता दें कि जब सोनिया गांधी ने ये ट्वीट किया था, कांग्रेस की ओर से ये जानकारी दी गई थी कि सोनिया गांधी ने ये फैसला लिया है कि बिहारी मजदूरों या फिर जो छात्र हैं या फिर दूसरे जगहों पर फंसे हुए छात्र और मजदूर हैं, उनको उनकी घर वापसी के लिए जो पैसा है, जो रेल का किराया है, वो कांग्रेस देगी। कांग्रेस के जो प्रदेश संगठन हैं वो उसका किराया चुकाएंगे। और इसके बाद खूब सियासी हो हंगामा हुआ था। तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने 50 ट्रेनों का किराया देने का ऐलान किया था। और अब बड़ी खबर सामने आ गई है। खबर यह है कि कांग्रेस ने बिहारी छात्रों और मजदूरों के लिए एक ट्रेन बुक की है, जो ट्रेन रवाना भी हो चुकी है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक बिहार कांग्रेस, माफ कीजिएगा, कांग्रेस गुजरात कांग्रेस की ओर से ये ट्रेन बुक की गई है। भरूच से पूर्णिया के लिए ये ट्रेन रवाना हो चुकी है। और इस ट्रेन के लिए कांग्रेस ने 6,82,750 रुपये का किराया चुकाया है। इसमें 850 छात्र हैं और 335 श्रमिक हैं जो इस ट्रेन में सवार होकर रवाना हो चुके हैं। पूर्णिया के लिए ये ट्रेन गुजरात के भरूच स्टेशन से खुल चुकी है। इसको लेकर बयान भी सामने आया है। आपको बता दें कि प्रवक्ता हैं पार्टी के और MLC हैं बिहार से, प्रेमचंद मिश्रा। उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको बताते हैं। प्रेमचंद मिश्रा ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और गुजरात कांग्रेस का उन्होंने धन्यवाद दिया है। जो रसीद है गुजरात कांग्रेस ने जो ट्रेन बुक की है बिहार के छात्रों और मजदूरों के लिए, उसकी रसीद आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। प्रेमचंद मिश्रा ने लिखा है कि मैं गुजरात कांग्रेस और भरूच जिला कांग्रेस को धन्यवाद देता हूं कि 850 बिहार के छात्रों और 335 श्रमिकों के ट्रेन के टिकट का भुगतान कर आज सवेरे बिहार के लिए रवाना किया गया है। टिकट की फोटो नीचे है, जो टिकट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस ट्रेन बुकिंग की रसीद आप देख पा रहे हैं। प्रेमचंद मिश्रा ने आगे लिखा है कि लगभग 6 लाख रुपए का भुगतान कांग्रेस ने किया है, ना कि केंद्र ने और ना ही वहाँ की गुजरात सरकार ने। इस हेतु मैं गुजरात कांग्रेस के नेताओं तथा बिहार मामलों के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल जी का आभारी हूं। तो इसको लेकर लगातार सियासत हो रही है। तेजस्वी यादव ये कहते रहे कि हम 50 ट्रेनें देंगे, उनकी पार्टी के प्रवक्ता ये कहते रहे कि जरूरत पड़ी तो ज्यादा ट्रेनें भी RJD देगी, लेकिन रसीद मांग रही थी। तेजस्वी यादव ने जब ये ऐलान किया था कि 50 ट्रेन देंगे तो उनके जो सियासी दुश्मन हैं JDU के नेता प्रवक्ता तेजस्वी पर हमलावर हो गए थे, रसीद मांग रहे थे, ट्वीट किया गया था। और वो ट्वीट अब आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं क्या लिखा गया है। ये लिखा गया है कि तेजस्वी जी ट्रेनों को तो बाद में बुक कीजिएगा, JDU के नेता हैं जो आलोक, उन्होंने ट्वीट किया है कि ट्रेन बाद में आप दीजिएगा, पहले उन ट्रेनों की रसीद तो दिखा दीजिए, उनकी बुकिंग की रसीद दिखाइए। तो तेजस्वी नहीं दिखा सके, कांग्रेस ने बुकिंग की रसीद भी दिखा दी है, ट्रेनों को बुक भी कर दिया है और उस ट्रेन में बिहारी छात्र और मजदूर गुजरात के भरूच से सवार होकर पूर्णिया पहुंच रहे हैं। इसको लेकर बिहार में कितनी सियासत हो रही है, ये खबर यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि हम आपको ये भी बताते हैं कि बिहार में इसको लेकर लगातार सियासत हो रही है। कल हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्यूष के साथ JDU के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह बातचीत कर रहे थे। इस बातचीत में उन्होंने ये कहा कि तेजस्वी यादव के पास बहुत पैसा है, किस तरह से तेजस्वी के ट्रेन वाली बात पर उन्होंने पलटवार किया है, ये बयान सुनिए और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से इस ट्रेनों को लेकर और बसों को लेकर सियासत हो रही है संकट के दौर में, और खास तर बिहारी मजदूरों और छात्रों को लेकर बिहार की राजनीति कितनी गर्म है। उनके पास तो अपार धन है, कुछ भी दे सकते हैं, हमको और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि उनको क्या करना है। जिसके पास धन होगा वही ना कितना ट्रेन आप बस देगा, इसलिए उनके बारे में तो कुछ कहना भी नहीं है। तो बिहार की सियासत में बवाल है, छात्रों को लेकर, मजदूरों को लेकर, उन छात्रों और मजदूरों को लेकर जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और लगातार सरकार पर हमले किए जा रहे हैं, नए तिकड़म इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज कांग्रेस ने ट्रेन बुक करके बिहारी छात्रों और मजदूरों के लिए गुजरात के भरूच से ट्रेन को रवाना किया है। JDU पलटवार करती रही है तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम 50 ट्रेनें देंगे,
उन 50 ट्रेनों की बुकिंग मांगती रही, बुकिंग की रसीद मांगती रही जेडीयू, वो सामने नहीं आया। इससे पहले अब कांग्रेस ने ट्रेन बुक भी कर ली है और बिहारी छात्रों और मजदूरों को बिहार भेजने का इंतजाम भी कर दिया है, ट्रेन पूर्णिया पहुंच रही है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।